इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन जब हम बात करते हैं अबाउट द एक्सपेंशन, इट इज बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ द आउटपुट अंडर द लॉन्ग रन और लॉन्ग रन में क्या है बिजनेस हैज एक्सपेंड देयर ऑपरेशन और शॉर्ट रन में क्या है कि इट माइट भी पॉसिबल अंड बिकॉज ऑफ दोज लॉसिस क्या सिचुएशन होगी या तो वो बिजनेस उस पर्टिकुलर प्रतिक्र, काम को छोड़ देगा या वो क्या करेगा ही विल एक्सपेंड हिज ऑपरेशन ही विल एक्सपेंड हि स्केल टू अर्न प्रॉफिट और अगर बाई एक्सपेंशन बिजनेस इज इन पोजिशन टू गेट प्रोफिट तो तब, तब क्या होगा ही विल एक्सपेंड हिज आउटपुट फर्दर क्या जी इनिशियली क्या था एक्सपेंड किया बिजनेस ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट वेन ही स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट तो उसने फर्दर उसको एक्सपेंड किया टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट और जब उसने आप कह लें अब नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिले तो कुछ नए बिजनेसेस भी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आ गए और जब नए बिजनेसेस या नई फर्म्स आ गई उस पर्टिकुलर बिजनेस में तो उसकी वजह से क्या हो गया देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट सप्लाई इन द मार्केट और इसने आपकी सप्लाई कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट वर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट डिक्रीजेस और लॉन्ग रन में क्या हो गया कि प्राइस becomes equal to long run marginal cost and long run average cost. अब इसी चीज को elaborate करने के लिए suppose हम बात करते हैं there is a farmer who is making production of agricultural output and to produce agricultural output he has to bear some cost. और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डिनोट कर, कर रहे हैं हम यहाँ पे एक कर्व डिनोट कर रहे हैं रेड कलर में जिसको हम कह रहे हैं this is long run

इनफीजिबल फॉर दू मेक प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन क्योंकि शॉर्ट रन में उसको क्या हो रहा है प्राइस दैट प्रिवेल्स इन दार्केट इसको वो किस तरह अवॉइड कर सकते हैं क्या या तो अपना आप कह लें आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट कुछ एक्सपेंड कर दे और उसकी एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि इट माइट बी पॉसिबल एस ए द वन डिनोट द एवरेज कॉस्ट वेन फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर अ स्मॉल फार्म साइज एक्सपेंशन वो कैसे करेगा कि वो स्मॉल फार्म साइज अगर सपोज ही इज मेकिंग प्रोडक्शन बाय यूजिंग टू फार्म ऑफ लैंड जी वो उस फार्म को इंक्रीज करते तीन पे चले जाए चार पे चले जाए जब वो तीन या चार एकड़ फॉर्म साइज पे जाएगा तो उसकी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट क्या होगी इट मूव फ्रॉम एस ए सी वन टू एस ए सी टू और यहां पे उसकी मार्जिन कॉस्ट हो गई एस एम सी टू और यहां पे उसके लिए डिजायरेबल क्या है कि ही शुड प्रोड्यूस क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट और जब वो क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा देन ही स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट और ये प्रॉफिट किस चीज के इक्वल है दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस एवरेज कॉस्ट फार्मर इज फेसिंग शॉर्ट रन में जब फार्मर ने प्रॉफिट अर्न शुरू कर दिया तो उसने उसको इंसेंटिव दिया कि प्रोड्यूस मोर और वो इसको कैसे वो करेगा कि ही हैज टू इंक्रीज हिज फार्म साइज और अगर वो वहां पे फार्म साइज जी अगर मैं सपोज ये कहता हूँ दिस इज द प्रोडक्शन वेन फार्मर इज यूजिंग फोर एकर्स ऑफ लैंड तो अपने आप को जी मजीद कुछ land, आप कह लें फार्म साइज अक्वायर करता है टू मेक प्रोडक्शन जब उसने मजीद फार्म साइज अक्वायर कर लिया तो उसके अगेंस्ट जो उसकी कॉस्ट उसको बियर करना पड़ रही है हम उसको डिनोट करें विद एस ए सी फोर एंड मार्जिनल कॉस्ट को हम रिपोर्ट करें विद एस एम सी फोर और यहाँ पे उसके लिए डिजायरेबल डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है Q3 थ्री लेवल ऑफ आउटपुट क्यों ये लेवल ऑफ आउटपुट हम किस बेस पे डिटर्मिन कर रहे हैं कि वी आर गेटिंग दिस लेवल ऑफ आउटपुट बाई इक्वेटिंग प्राइस विद मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे भी क्या हो रहा है फार्मर इज अर्निंग अब नॉर्मल प्रॉफिट लेकिन जब आप यहाँ पे वो अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये क्या करेगा इट विल अट्रैक्ट सम न्यू मोर फार्मर्स टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट जब न्यू फॉर्मर एंटर हो जाएंगे तो मार्केट में सप्लाई एग्रीकल्चर आउटपुट कर जाएगी एग्रीकल्चर आउटपुट विल डिक्रीज हां वो कितना डिक्रीज हो गया कि ये जो प्राइस पी थी मार्केट में यह मूव कर गई टू पी एल आर And this decline in price of agricultural output is because of entry of new farmers in the production of that particular agricultural output. और इसी point पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई short run average cost curve होगी जिसको हमे report कर रहे हैं with S C theory. और यहाँ पे short run marginal cost curve को हम denote कर रहे हैं with S M C theory. अगर शॉर्ट रन के परस्पेक्टिव में बात करूंगा तो इस पॉइंट की बेस पे आप डिटर्मन कर लोगे कि दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस फार्मर लेकिन लॉन्ग रन के परस्पेक्टिव में क्या होगा कि दिस इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट दैट अ फार्मर शुड प्रोड्यूस व्हेन व्हेन प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट इज पी एल आर हाँ जी किस तरह हमने दिस क्यू एल आर लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटर बाय इक्वेटिंग प्राइस ऑफ लॉन्ग रन विद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और साथ में यहां पर क्या है कि एट दिस पेट्रोल प्वाइंट लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के शॉर्ट रन में इट माइट बी पॉसिबल देअ आर बिजनेसिस दैट आर अर्निंग प्रॉफिट और जब वो पॉजिटिव प्रॉफिट ऑप्टेन करेंगे कुछ न्यू फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा कुछ न्यू बिजनेसिस को अट्रैक्ट करेगा जब न्यू बिजनेस भी न्यू फर्म्स जा, आ जाएंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में तो प्राइस क्या हो जाएगी प्राइस इन मार्केट विल डिक्रीज और अल्टीमेटली क्या होगा कि प्राइस इन लॉन्ग रन विल बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और इस पॉइंट पे जो भी वो फर्म कर, प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्या कहेंगे दैट इज ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मिनिमम एवरेज कॉस्ट और ये सारी चीज आप कह लें को एज इट इज ही हम अप्लाई कर सकते हैं विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल आउटपुट जब मैंने ये सारी डिस्कशन डायग्राम में की विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड जी शॉर्ट रन में जो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो चार शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर आपको रिपोर्ट की है दीज आर दी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट साइज ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म साइजेज लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल थिंग्स आर वेरिएबल लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किस पॉइंट पे होगी लॉन्ग रन प्रोडक्शन विल बी ऑब्जर्व एट अ पॉइंट वेयर एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम और इस पॉइंट पे आपकी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट भी क्या होगी दैट इज आल्सो मिनिमम